गुड मॉर्निंग व्यूअर्स आप सब कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए ब्लॉग के साथ में इससे पहले भी मैं एक रेनी सीजन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ लेकिन आज का वीडियो जो होगा वो डिटेल में होगा और ज़्यादा डीप में होगा इसके अंदर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो तो डिस्कस होंगे ही साथ में उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए जाएंगे आइए शुरू करते हैं रेनी सीज़न में जो अक्सर जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा जो आती है वो है स्किन के इश्यूज़ स्किन के इश्यूज़ के अंदर स्किन का रेड हो जाना रिंग हो जाना हेयर्स का कम हो जाना वहाँ से पानी जैसा पदार्थ निकलना और ये स्प्रेड हो जाना पूरी बॉडी पे ये इस तरह की दिक्कतें रेनी सीजन में अक्सर आती हैं और इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो भी मैं बताऊंगा आपको जो आप हमेशा इस्तेमाल करते होंगे लेकिन आपको डी पे पता नहीं होगा दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टेस्टिकल इश्यूज के बारे में मेरे पास में टेस्टिकल इश्यूज के बहुत सारे केसेस आते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा टेस्टिकल इश्यूज जो होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में ठीक नहीं हो पाते क्यों क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में जिस अप्रोच को यूज़ किया जाता है टेस्टिकल के लिए मेडिकेशन के लिए क्योंकि टेस्टिकल की जो बाहर की लेयर होती है वहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत कम होते हैं तो एडिक्वेट अमाउंट की मेडिसिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और पहुँच भी जाती है तो वो टेम्प्रेरी रिलीफ होता है ज़्यादा रिलीफ़ नहीं मिल पाता इसीलिए क्या करना चाहिए आपको होम्योपैथिक अप्रोच यूज़ करनी चाहिए इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं देखिए स्किन इन्फेक्शन के लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है रेड आप बोलेंगे ये तो टिक्स के लिए नहीं ये टिक्स के लिए नहीं है साथ में ये एज ए होल आपके डॉग के स्किन के लिए भी है देखिए आप रेनी सीजन में डॉग को नहलाइए और नहलाने के बाद में इसका सोल्यूशन बना के उसको अप्लाई करके ड्राई कर दीजिए ये बहुत यूज़फुल है इसके अलावा अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो भी जाता है आपके डॉग को तो पेडबैन पेडबैन शैम्पू से अच्छी तरह से उस एरिया को साफ कीजिए या पूरी बॉडी पे लगाइए और क्लीन कीजिए तो इससे क्या होता है कि जो डेड सेल्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं और वो एक्सपोज एरिया धीरे धीरे ठीक होने लगता है इसके अलावा एंटीफंगल क्रीम लगा सकते हैं कैनस्टेन बहुत अच्छी क्रीम है जनरली मेडिकल स्टोर्स में मिल जाती है और आप ये डॉक्टर की सलाह के साथ में यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है टिक्स की टिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में या फिर सर्दियों में नहीं होते वो ऐसे मिले जुले मौसम में होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ना ठंड हो ना गर्म हो बरसात का टाइम ऐसा ही टाइम होता है ह्यूमिडिटी भी अच्छी होती है तो टिक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं टिक्स के लिए आप सबसे अच्छा जो तरीका है जो सबसे सिंपल तरीका है, वो है रिड जो मैं आपको इससे पहले दिखा चुका हूँ आप रिड का यूज़ कीजिए टिक्स के लिए बहुत अच्छी रिज़ल्ट है लेकिन इसकी चेन तोड़नी पड़ती है क्योंकि क्या होता है कि इनकी एक साइकिल होती है ब्रीडिंग साइकिल होती है ये ब्रीडिंग साइकिल के अंदर ये अलग अलग स्टेजेस में होते हैं जब हम इनके ऊपर कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो इसमें से कुछ स्टेजेस तो ख़त्म हो जाती हैं लेकिन एग और लार्वे वाली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा असर नहीं हो पाता वहाँ पे आपको लगातार इसको यूज़ करना है यानी आप कोशिश कीजिए हर हफ्ते इसे यूज़ कीजिए हर हफ़्ते यूज़ कीजिए और कम से कम छः से आठ हफ्ते यूज़ कीजिए आजकल बहुत अच्छे स्प्रे आ रहे हैं फिप्रोनिल स्प्रे है बहुत अच्छा है फेस और आंखों को छोड़ के आप इसे अप्लाई कीजिए इसकी बॉडी के ऊपर टिक्स रुकेंगे ही नहीं मर जाएंगे या भाग जाएंगे और कुछ मेडिसिन भी आ रही हैं मैं वैसे तो आपको नहीं सलाह दूंगा कि आप मेडिसिन का यूज़ कीजिए लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है टिक्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आपके पास में ब्रवैक्टो और सिम्पेरिका जैसी मेडिकेशंस भी हैं डॉक्टर की सलाह के बाद आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं बरसात में जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है वाटर लॉगिंग की और पानी का पोल्यूशन होता यह है कि जब पानी ज़्यादा बरसता है तो गली नालों में और सब जगह पानी एकदम एक, एक जैसा हो जाता है नालों के से अंदर जो गंदगी होती है वो रोड के ऊपर आ जाती है और रोड के थ्रू हमारे घर के अंदर तक आ जाती है क्योंकि हम शूज़ स्लीपर्स कुछ भी पहनते हैं तो हमें अपने पाँव ज़मीन पर तो रखने ही है क्योंकि इन्फेक्शन चारों तरफ फैला हुआ होता है तो वो लेके हम घर में भी आ जाते हैं यही काम डॉग्स भी करते हैं डॉग्स को हम जब घुमाने ले जाते हैं तो डॉग्स भी रेनी सीजन में जब रोड के ऊपर पेमेंट पे चलते हैं तो वो अपने गंदे पाँव लेके आ जाते हैं और उस वो साइकिल जब घर के अंदर एंटर कर जाती है इन्फेक्शन की तो किसी न किसी वजह से डॉग्स के पेट में चली जाती है और उनको लूज़ मोशंस और पेट का ख़राब होना ये बहुत आम सी बात है क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं लेप, लेप्रोबैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो लूज़ uh, मोशन्स पैदा करते हैं ये लूज़ मोशन्स एक नॉर्मल लूज मोशंस भी हो सकते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा ब्लडी लूज मोशंस भी हो सकते हैं जिसके अंदर खून उल्टी आना वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा लेकिन ये पूरे चांसेस हैं कि बरसात के अंदर आपके डॉग के खाने के अंदर इन्फेक्शन पहुँच सकता है चाहे वो uh, किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से पॉज गया हो क्योंकि बाउल के अंदर भी बहुत सारा जो खाना लगा रह जाता है जाने अनजाने में उसके ऊपर भी फंगस आ जाती है इस वजह से भी डॉग्स लूज मोशन करना शुरू कर देते हैं ऐसे केसेस में एंटी डायरियल मेडिसिन आती हैं जैसे नॉर्थलॉग्स आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब प्रॉब्लम कब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा प्रमोलेंट हो जाती है जब डॉग्स को ब्लडी लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं उल्टी करना शुरू कर देते हैं ये एक नेक्स्ट लेवल का इन्फेक्शन है और इसमें आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए ये गैस्ट्रो जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर डॉग का खाना और पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि जो ट्रैक होता है उसको आपको थोड़ा सा शट डाउन करना पड़ता है खाने के ट्रैक को और आपको डॉग को सेलाइन पर लाना पड़ता है सेलाइन पर आप डॉग को लाएँगे उसकी सबसे अच्छी बात है कि हाइड्रेट होता रहेगा खाना पेट में पहुंचता रहेगा मेडिसिन उसके पेट में पहुंचती रहेंगी और ज़्यादा जल्दी असर करेंगी जल्दी रिकवर कर जाएगा डॉग वरना क्या होता है कि आप बड़े डॉग को माउथ से मेडिसिन दे रहे हैं तो वो उल्टी भी कर रहा है उसके बाद कुछ मेडिसिन यूज़ हो पा रही है नहीं हो पा रही है ये बड़ी दिक्कत की बात होती है इसके अलावा जो गंदे पेमेंट पे या घास में या रोड के ऊपर जब डॉग पाँव रखते हैं तो उनके पॉज में इन्फेक्शन हो जाते हैं ये पॉज के इन्फेक्शन कभी कभी नॉर्मल इन्फेक्शन से पॉस्टूल से लेकर कभी कभी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि डॉग का चलना फिरना खाना पीना दो बार हो जाता है ऐसे केसेस में जिसे इस प्रॉब्लम को हम पोलोडर्माटाइटिस कहते हैं ऐसे केसेस में हमें डॉग को कुछ एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं एंटी एलर्जिक्स देनी पड़ती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बरसात में ही नहीं नॉर्मल टाइम में भी ये दिक्कतें आ जाती हैं ये डॉग को गंदगी की वजह से तो आती ही हैं साथ में कभी कभी एलर्जीज़ की वजह से भी आती है किसी चीज़ से एलर्जी हो तो उसकी वजह से भी आ जाते हैं ऐसे केस में जो सबसे अच्छी मेडिसिन काम करती है वो है सिफेलैक्सिन सिफेक्सिन अलग अलग कंपनीज़ की आती है आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह और निगरानी के अंडर में इसके अलावा भी बहुत सारी और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो इसके अंदर काम आती हैं बरसात के अंदर एक और दिक्कत जो डॉग में अक्सर देखी जाती है वो है सांस की दिक्कत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्यों होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखिए क्योंकि एटमॉस्फेयर uh, के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है मॉइस्चर होती है तो इससे इन्फेक्शन जो उनके चेस्ट में जा सकता है और ये डॉग्स आपने अक, अक्सर देखा होगा इस टाइम पे खांसना शुरू कर देते हैं कुछ डॉग को हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है कुछ डॉग को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका आपको ध्यान रखना है और दूसरा कानों के अंदर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है कान के अंदर क्योंकि ऑलरेडी वैक्स तो होते ही है नॉर्मल तो डॉग को जब मॉइस्चर पहुंच जाता है या पानी पहुंच जाता है किसी वजह से रेनी वाटर पहुंच जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है कान लाल हो जाते हैं लाल के अंदर उसके बाद में पेन शुरू हो जाता है डॉग फड़फड़ाना शुरू करते हैं और ये अंदर पूरा ज़ख्मी कर लेते हैं अपने पाँव से खुजा खुजा के क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा इरीटेशन होती है तो देखिए मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है पोमेसॉल देखिए आपको मेडिसिन को बॉमेसॉल को नहीं देखना है इसके कंट कॉन्स्टिट्यूंट्स को देखना है इसके अंदर की जो सॉल्ट्स है उनको देखना है अगर ये मेडिसिन नहीं मिलती है तो इसकी कोई सप्लीमेंट्री मेडिसिन इसी की तरह की मेडिसिन कम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं एक और जो दिक्कत जो सबसे आती ज़्यादा आती है वो आती है डॉग फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम डॉग फूड के अंदर फंगल ग्रोथ हो जाना बरसात में एक बहुत ही मामूली सी चीज़ है इसको आप अवॉइड करने के लिए ये कर सकते हैं कि बरसात के टाइम पे डॉग्स को होम फूड पे ले आइए मैं अगर आपको सौ तरीके बताऊंगा कि डॉग फूड को किस तरह से प्रिजर्व करना है क्या करना है क्या करना नहीं करना है वो आप नहीं कर पाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ बरसात लगातार चलती है मॉइस्चर कंटेंट हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर का खाना देना शुरू कर दीजिए फ्रेश खाना तैयार कीजिए फ्रेश दीजिए आपके डॉग की सेहत अच्छी रहेगी लीवर डैमेज हो जाने के बाद में डॉग को बहुत दिक्कतें आती हैं ऐसे फूड से होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल में 700 से ज्यादा हैं जिसमें मैक्सिमम वीडियोज डॉग हेल्थ के ऊपर है अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर है ऐसे वीडियोज आपने किसी भी चैनल पर नहीं देखे होंगे जहां पर डॉग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज शेयर की जाती हो और साथ में मेडिसिन भी शेयर की जाती हो जो काम करती है रियली वर्क्स थैंक यू फॉर अस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू